एनएसयूआई के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पुनीत दीवान ने कहा कि जिला में एनएसयूआई को मजबूत किया जाएगा, कॉलेज स्तर पर नई टीमें बनाई जाएंगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में पुनीत दीवान ने कहा कि नई टीम में नए व पुराने कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा, कॉलेज स्तर पर नई कार्यकारिणी 15 दिन के भीतर गठित की जाएगी। एनएसयूआई के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पुनीत दीवान ने कहा कि जिला में एनएसयूआई को मजबूत किया जाए, कॉलेज स्तर पर नई टीमें बनाई जाएंगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में पुनीत दीवान ने कहा कि नई टीम में नए व पुराने कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा, कॉलेज स्तर पर नई कार्यकारिणी 15 दिन के भीतर गठित की जाएगी। एससीए चुनाव बहाल स्थित छात्र हित के मुद्दों को लेकर यदि सड़कों पर उतरना पड़ा तो एनएसयूआई पीछे नहीं हटेगी। पिछले कुछ समय से एनएसयूआई की गतिविधियां न होने पर पुनीत दीवान ने कहा कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसकी वजह से एनएसयूआई कार्यकर्ता काम नहीं कर पा रहे थे। एनएसयूआई द्वारा स्टूडेंट के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। हमारा मुद्दा यही है कि मुद्दा तो कुछ नहीं है कि मेरी अपॉइंटमेंट हुई है नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रधान बना हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, एनएसयूआई का। तो जितनी भी कॉलेजेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, जितनी भी बॉडीज़ हैं कैंपस की, सारी डिसॉल्व हो चुकी हैं। इनको हम नए स्तर पे बनाएंगे और अच्छी तरह से इसको निकालेंगे। जो बच्चे होंगे उनको उनसे बात करके उनको अपॉइंट करेंगे प्रेजेंट के लिए, जितनी भी हमें कैंपस की बॉडियां हैं। और हमारा मुद्दा ये है कि जितने भी बच्चों के मुद्दे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लेके, बच्चों के हित के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। उनके लिए जो भी हमें लड़ना पड़े सरकार से, हम वो भी लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम चुनाव बहाल करने के लिए भी हम इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे और रोड सड़कों पर उतरेंगे। नहीं सर, ऐसे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, उसके चलते कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। एनएसयूआई से लेके हम जो भी हमारे सम्मेलन होंगे वो एक प्रोग्राम की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभी हमारी बात चल रही है सीनियर लीडर से, तो उनको जैसे रूपरेखा तैयार करके हम ग्राउंड वर्क के साथ आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारे कैंपस की बॉडियाँ होंगी उनको ट्रेंड करके हमको आगे लेके जाएंगे। देखिए सर, हर किसी के आदर्श होते हैं, जैसे कोई हनुमान जी को मानता है, कि शिव भगवान को मानता है। जैसे मेरे भी आदर्श जी एस बाली जी हैं, विजेंद्र करण जी हैं और आर एस बाली जी हैं, तो अपने अपने आदर्श की बात होती है। सर देखिए सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट वो धर्मशाला में जो अभी लीडरशिप चल रही है, हम उनके साथ ही चल रहे हैं। जैसे विजेंद्र करण जी है धर्मशाला के युवा नेता हैं, हम उनके साथ ही वर्क कर रहे हैं। जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी उसमें पुराने लोग भी लिए जाएंगे और कुछ नए लोग भी लिए जाएंगे। ये सर विद इन 14 डेज या 15 डेज के अंदर सारी रूपरेखा तैयार कर लेंगे, 15-20 दिन में जो भी हमारा होगा, तो उसमें सारी प्रोग्राम तैयार करके बच्चों से हम डायरेक्टली हम कैंपस टू कैंपस जाके बच्चों से हम मिलेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।